जशपुर जिले के दोकड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र में बगिया पुल समीप मुख्य मार्ग में डंपर चालक ने मोटरसाइकिल चालक को सामने से कुचल दिया, जिससे बाइक सवार को गंभीर चोट लगी है। घटना की सूचना मिलते ही दोकड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फरार वारंटियों की पत्तासाजी के क्रम में रायगढ़ की जोबी पुलिस चौकी टीम ने जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र में दबिश देकर पशु क्रूरता मामले में फरार वारंटी राम मिलन चौहान व मन बहाल सिदार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। रायगढ़ जिले के कोतरा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत रोड एक्सीडेंट में एक 22 वर्षीय युवक की अकाल मौत हो गई, जबकि उसके साथी युवक को सामान्य चोटें आई हैं। दुर्घटनाकारी अज्ञात ट्रक का चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट कर मौके से भाग निकला, जिसकी कोतरा रोड पुलिस द्वारा पत्तासाजी की जा रही है। रायगढ़ जिले की कोतरा रोड थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पतरापाली के सूरज चौहान और खेल कुमार चौहान के पास से चोरी की दो मोटरसाइकिल बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में एक्सिस बैंक के व्यापार विहार शाखा में 1,27,00,000 रुपए का गबन का मामला सामने आया है। बैंक के कैशियर और आबकारी के ठेका कर्मचारियों ने मिलकर गड़बड़ी को अंजाम दिया है। बैंक प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में घर के बाहर से गाड़ी को किसी चोर ने चोरी कर ली। अगले दिन जब गाड़ी मालिक सोकर उठा तब उसे पूरे मामले का पता चला, जिसके बाद उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने शिकायत पर मामले में जांच कर आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसके बाद गाड़ी ओडिशा के बेलपहाड़ इलाके में मिली है। रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और रायगढ़ सीएसपी के बीच विवाद ने अब राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। इस पूरे विवाद में रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी ने स्टेशन चौक कांग्रेस कार्यालय से एसपी ऑफिस तक नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर रायगढ़ पुलिस अधीक्षक से चक्रधर नगर थाना प्रभारी और रायगढ़ सीएसपी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। रायगढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों में 3 लोगों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा फरार लोगों को धरपकड़ करने का कार्य लगातार जारी है। छुई खदान दनिया मार्ग निर्माण के बावजूद मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीणों का आक्रोश अब चरम पर है। महापंचायत की बैठक में फैसला लेकर 16 गाँव के ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस सहित सभी पार्टी पदाधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंगलवार से इन गांवों में बकायदा पोस्टर बैनर भी टांगे जा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जब तक ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक गांव में नेताओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। आईटीबीपी की टीम ने परवीडी बेस कैंप से लगे कातुलझोरा जंगल में आईईडी बरामद की है, जिसमें नक्सलियों ने फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लांट किया था। आईईडी बरामद होने के बाद सर्चिंग और तेज कर दी गई है। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर व प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बालोद पहुंचे। शहर के महादेव भवन में प्रदेश के प्रथम जिला स्तरीय बैठक का आगाज करते हुए उन्होंने चुनावी शंखनाद फूंका। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के संरक्षण में ही पूरे प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार दोषी है। सुकमा के एसपी और आयुक्त ने धर्मांतरण को लेकर चिट्ठी लिखी थी। बलौदा बाजार जिले के पलारी थाना पुलिस ने शासकीय योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर फर्जीवाड़ा गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जीवित महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर श्रम विभाग से श्रमिक मृत्यु दिव्यांग सहायता योजना के तहत धोखाधड़ी कर पैसा आहरण किया गया था। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में 1,00,000 रुपए के इनामी नक्सली समेत 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सली जिले के प्रतिबंधित माओवादी संगठन की मालागेर एरिया कमेटी में सक्रिय थे, जिनमें बंडी उर्फ कोल्ला मड़काम मिलिशिया प्लाटून कमांडर था और उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम था। वहीं अन्य 9 नक्सली मिलिशिया सदस्य के तौर पर सक्रिय थे। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट सेटलमेंट और सीआईबी डिटेक्टिव विंग रायपुर की टीम
की ओर से संयुक्त रूप से ट्रांसफार्मर चोरी के बाद उसका कॉपर बेचने के मामले में तीन फरार आरोपियों धर्मेंद्र सिंह उर्फ बिक्का, कुलदीप कुमार यदु और वीरभद्र वैष्णव और बीरक को पकड़कर आरोपियों के पास से करीब 80 किलो तांबा बरामद किया है। जब्त तांबे की कीमत 25,662 रुपए बताई गई है। रायपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 गाड़ी संख्या 12549 दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस के पीछे जनरल कोच के पास एक पॉकेट मार को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखकर जीआरपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।